बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल डेली कुकिंग। आज हम बनाएंगे चटपटा और बहुत ही मज़ेदार सा मिक्स सब्जियों का अचार। इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें, ताकि हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलता रहे। तो बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमारे पास है कुछ मिक्स कटी हुई सब्जियाँ, जिसमें आंवली है हमने 1 किलो, सब्ज़ मिर्चें आधा किलो, लहसुन आधा किलो, अदरक 1 पाव, नींबू 3 पाव, कटी हुई गाजरें 3 पाव, लेमन जूस 1 छोटा कप और नमक लिया हमने 1.5 खाने का चम्मच। इन सारी सब्जियों को हमने पहले अच्छी तरह से वॉश किया और फिर इनकी हमने कटिंग की। इनकी कटिंग करके हमने इन्हें वॉश नहीं करना। अगर हम इन्हें कटिंग करके वॉश करेंगे तो अचार हमारा ख़राब हो जाएगा। अब एक बड़ा बर्तन लेंगे, इसमें हम डालेंगे सबसे पहले कटे हुए नींबू। अब इसके अंदर हम डालेंगे आम, सब्ज़ मिर्चें, लहसुन और अदरक डालेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे कटी हुई गाजरें। अब नमक डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो देखें, नमक अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब इसके ऊपर हम डालेंगे लेमन जूस। अब फिर से इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो देखें, नमक और लेमन जूस अच्छी तरह से सब्जियों में मिक्स हो चुका है। अब इसे हम 1 छोटी बाल्टी में डालेंगे। अब इसे हम ऊपर से कवर करेंगे और 8 घंटे के लिए इसे हम इसी तरह से पड़ा रहने देंगे, ताकि सब्जियां अपना अच्छी तरह से पानी छोड़ दें। तो देखिए, 8 घंटे हो चुके हैं, सब्जियों ने अपना पानी जो है वो अच्छी तरह से छोड़ दिया। अब इसे हम एक बड़े बर्तन में डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सब्जियों ने कितना ज्यादा पानी छोड़ा है। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर नमक लिया है हमने 1.5 खाने का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच और कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी ली है हमने 1.5 खाने का चम्मच और खुश्क धनिया लेंगे हम 3 खाने के चम्मच, मेथी दाना लेंगे हम 1.5 खाने का चम्मच, जीरा लेंगे हम 3 खाने के चम्मच और सौंफ लिया है हमने 3 खाने के चम्मच, कलवंजी लेंगे हम 1 खाने का चम्मच और अचारी राई लेंगे हम 1/4 चाय का चम्मच। अब एक बाउल लेंगे, इसमें हम डालेंगे सौंफ, कलवंजी, साबुत धनिया, मेथी दाना डालेंगे और जीरा डालेंगे। अब इन सारे मसालों को हम मोटा मोटा सा चॉपर में डाल के पीस लेंगे। इन्हें हमने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, बस मोटा मोटा सा ही पीसना है। तो देखिए, मसाला हमने पीस लिया है। आप देख सकते हैं कि इससे ज़्यादा बारीक हमने नहीं पीसना, बस इस तरह का ही होना चाहिए। अब इसके अंदर हम डालेंगे अचारी राई, नमक डालेंगे, पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और अब इसके अंदर हम डालेंगे हल्दी। अब इन सारे मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो देखिए, मसाले अच्छे से मिक्स हो गए। अब इन मसालों को हम अचार के ऊपर डालेंगे। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो देखिए, अचार में मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसे हम फिर से उसी बाल्टी में डाल देंगे जिसमें से इसे हमने निकाला था।
अचार को बाल्टी में डालने के बाद इसे हम ऊपर से कवर नहीं करेंगे, बल्कि इसके ऊपर कोई सा भी कपड़ा बांध देंगे और इसे पूरा दिन हम इसी तरह से ही रखेंगे और हर एक घंटे के बाद इसे हम अच्छी तरह से हिलाएंगे ताकि अचार के ऊपर अच्छी तरह से मसाला लग जाए और जो इसके अंदर पानी है वो भी अच्छी तरह से खुशक हो जाए, क्योंकि इसके अंदर पानी जो है वो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि अचार हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है और सारा मसाला जो है वो अचार के ऊपर लग चुका है। आप देख सकते हैं कि पानी इसका बिल्कुल खुश्क है, जरा सा भी पानी रह गया तो अचार हमारा बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे सरसों का तेल। तो देखें यहाँ पर 2 लीटर ऑयल में एक दरमियाने साइज का प्याज मोटा मोटा काट के उसे अच्छी तरह से हमने बॉईल कर लिया और फिर रूम टेम्परेचर पे इसे हमने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया। अब इसे हम अचार में डालेंगे। तो ऑयल हमने इतना अचार में डालना है कि अचार जो है वो अच्छी तरह से ऑयल के अंदर डिप हो जाए, जरा सा भी बाई ना रहे, वरना अचार जो है वो खराब हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अचार में हमने ऑयल डाल लिए। अब हमें जितनी अचार की जरूरत है हम छोटे बर्तन में डाल लेंगे और बाकी के अचार को हम कवर करके रख देंगे। तो आप देख सकते हैं कि देखने में कितना जबरदस्त और कलरफुल सा लग रहा है और खाने में कितना मजे का होगा। अब इसे हम बॉल में डालेंगे। तो तैयार है मजेदार सा मिक्स सब्जियों का अचार। इसे हम ऊपर से कवर करेंगे, चाहे आप इसे फ्रिज में रखें या बाहर रखें, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।